हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और भाई आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आपने देखा होगा लास्ट के एक दो व्लॉग पहले हम सारा क्रिसमस का सामान ले आए थे घर पे, पूरे ट्री वगैरह। तो मौसम स्टार्ट हो चुका है क्रिसमस का, हमने सबसे पहले अब की बार स्टार्ट कर दिया है मार्केट के अंदर। क्यों जी, किसने किया सबसे पहले स्टार्ट? सबसे पहले बाजी मारी आपने। और पांडा हमारा आज नींद पूरी करके घूम रहा है। नींद पूरी की है, क्या किया है? ये बुखार था, हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर तो आओ। अरे वो बनाऊंगा तुम्हें, सेंटा क्लॉज बनाऊंगा फिर से। आ जा, नहीं बनता सर्दी लगी तो टोपा भी दे रखा था सेंटा का, तो सर्दी कैसे लगी? पैंट फटी वहां से, तो नीचे से एक और पैंट पहन रखी थी। अच्छा, तो गाइस आज हम पूरा एक रूम डेकोरेट करने वाले हैं सेंता के, उसकी तरह ट्री वगैरह सारी चीजें लगा के, लाइटिंग वगैरह लगा के, बर्फ लेके आएंगे बाहर से, बर्फ वगैरह पूरी बिछाएंगे रूम के अंदर। तो ये एमी का पहला क्रिसमस है, तो हम उसको चाहे अपने यहाँ के फेस्टिवल हो, चाहे बाहर के फेस्टिवल हो, चाहे हिंदू फेस्टिवल, हम सारे फेस्टिवल मनाना चाहते हैं उसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट या चाय पीनी पहले आपको? ये भाई संता बीमार हो गया, घूम रहा है खुद है। बता के किस संता क्लॉज की गिफ्ट बांटा गया यार तू? तेरी खुद की पुंगी बात रही एक दिन में, हैं? प्लान कर रखे इतने बड़े बड़े आपने, तू बांट का बाहर जाकर जब पता चलेगी। प्लान कर रखे आपने इतने बड़े बड़े, मैं ये करूंगी वो करूंगी। कल गाड़ी में जाऊं थे ना, जब चश्मा लगा रखा था तो मैं, और अंधेरे अंदर हां नींद आ रही थी। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट, जो कि है अगेरो कंपनी का अगेरो डेजल इंस्टेंट व्हाइट टीथनिंग किट है, जिसके अंदर मेरे को मिला है ये एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, साथ में मेरे को ये मेरे चेक करने के लिए कि अभी करंट में मेरे दांत कितने व्हाइट है, कितने वो है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चेक करने के लिए, और जब मैं इसको यूज करूंगा तो क्या रहेगा। साथ में ये मेरे को 14 स्ट्रिप दी गई है इसके साथ में यूज करने के लिए, ये एक इसके मैनुअल किट आती है साथ में, और रिचार्जेबल बैटरी के लिए ये है। तो चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ क्या क्या यूज है इसके और किस तरीके से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। तो गाइस ये देखिए, मैं यहाँ पे मेरा चेक कर रहा हूँ कि अभी मेरा कलर क्या है यहाँ पे, तो मैंने चेक कर लिया है, मेरा नंबर है अभी 8th नंबर है मेरा यहाँ पे इसके अंदर। और साथ में ये मेरे को 14 स्ट्रिप्स दी गई हैं, जो कि मैं इनको निकाल के मेरे दोनों टीथ के ऊपर लगा लूँगा। ये वाइट स्ट्रिप दी गई हैं इसके अंदर, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको दोनों की दोनों, एक अपर टीथ पे एक लोअर टीथ के ऊपर मैं इनको लगा के देन यूज़ करूँगा। नेक्स्ट प्रोसेस में इसका क्या होने वाला है वो देखिएगा आप। ये यहाँ पर मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से निकाल के, क्योंकि इसमें गम टाइप में लगा होता है, इसको अच्छे से निकाल के मैंने इस तरीके से लगा लिया अपने दांतों के ऊपर, दोनों साइड्स में, नीचे भी लगाऊंगा और ऊपर की साइड में भी लगाऊंगा। और ये नेक्स्ट ये है मेरे यहाँ पे, मेरे को जो मेरी मशीन है इसके साथ में वो है 24 ब्लू LED लाइट्स के साथ में है, जो कि अंदर तक के डीप स्टेन्स होते हैं उनको भी निकाल लेती है और वाह क्लियर टिथ कर देती है आपकी। और ये फूड ग्रेड फ्लेक्सिबल है, नॉन स्लिप स्ट्रिप्स आर सेफ फॉर एनिमल्स एंड कस्टम फिट्स टू योर टिथ परफेक्टली, एकदम दांतों में परफेक्ट फिट हो जाती है। और मैं ऐसे लगा के 10 मिनट तक वेट करूँगा और 10 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगा। तो गाइस आपको ये डेली 10 मिनट तक यूज़ करना है, और ये पूरी किट अगर 7 दिन तक आप लगातार यूज़ करते हो तो 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी 3rd डे है, तो जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा आपको रिजल्ट दिखाता रहूँगा। अब तक रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और साथ में इसकी रिचार्जेबल बैटरी है, 100 मिनट्स तक आप यूज़ कर सकते हो, साथ में दिया गया है तो आप इसको चार्ज ईजिली चार्ज कर सकते हो। और गाइस ये प्रोडक्ट कौन कौन यूज़ कर सकता है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे कि मैं हूँ कॉफ़ी लवर, तो मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीता हूँ, तो कॉफ़ी की वजह से स्टेन्स हो जाते हैं दांतों में, तो वो यूज़ कर सकते हैं। जो पान मसाला वगैरह खाते हैं, टबैको यूज़ करते हैं, और जिनके मतलब कईयों के नेचुरली पानी की वजह से भी येलो शेड के अंदर हो जाते हैं, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके भी दांत येलो शेड के अंदर हो जाते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप इसको परचेज। तो यहाँ पे मित्तू आ गए हैं रूम में, और ये देखो अभी करेंगे स्टार्ट जो है।
इसको सजाना। ये देखो लाइट लगाने लग रहे हैं इस पे। क्या क्या लेके आए हैं हम लोग। एमी तो बस इसको ही देखता रहेगा अगर इस रूम में आ गए। हाँ जी क्या हुआ, लग नहीं रहा ये? नहीं, ऊपर नहीं लग रहा। तो गाइस ये देखो इसमें सबसे ऊपर स्टार लगता है तो हम स्टार लेके आए थे वो लगा दिया है, बाकी इस पे लाइटें लगा दी। आप सोचोगे इतना या इतना नहीं है। रुको 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 जरा, अभी बर्फ गिरने वाली है यहाँ पे। हाँ अभी यहाँ पे स्नो गिरे, स्नो सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले वो लगा दो इस पे क्योंकि वो फिर लगने के लिए वो चाहिए ही रास्ता। ये सबसे एंड में लगा दें क्योंकि वो डलता है ना। वो तो भाई बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है गुड़गांव के अंदर। ये सब भाई पहली बार ही कर रहे हैं हम भी। ऑफिस ऑफिस में होते थे वो तो देखो एचआर करता था वहाँ पे, तो बट हम पहली बार घर पे तो पहली बार ही कर रहे हैं क्योंकि एमी का मैंने जैसे बताया पहला क्रिसमस है, इनको लग रही सर्दी तो ये थोड़ी हीटर लगाएंगे इस रूम में थोड़ी देर बाद में, तब उठेंगे, तब तक उठेंगे नहीं। तो भाई ये देखो हम लोग कितना सारा सामान लेके आए थे ऑलरेडी ये चीजें सजाने के लिए, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा कि ना मिस्तु हमारा ना पेड़ छोटा रह जाएगा, आइटम हम ज्यादा ले आए, बाहर से नीम का पेड़ डाला है लग रहा है ना सही। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अंदेशा हो रहा है हमें कि ना हमारा पेट छोटा रहेगा, पेट छोटा रह गया और हम आइटम ज्यादा उठा लाए। हाँ। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये देखो अभी तो इसमें भरा पड़ा है, ये उस दुकान वाले ने भी ये नहीं बताया भाई तुम्हारा पेट छोटा हो तुम आइटम ज्यादा लेके जा रहे हो। सामान दिख रहा था ना तो वो क्यों बताएंगे, थोड़ा तो यार देखो इतनी तो सोचनी चाहिए थी उनको भी ना। यहाँ पे व्हाइट वाली लगाई है, थोड़ा देख के लगा रहे ऊपर ऐसे कलर का स्टार है तो वही से। ये सेंटा क्लॉज का चटिया है भाई, ये लो चटिया लो तुम्हारा एक। कितना मजा आ रहा है, पहले ये चीजें देखते थे और आज हम खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे तो करते हुए। और सबसे मजे वाली बात हो गई थी एम ही देखेगा इसको तो क्या रिएक्शन देगा वो। हम लोग देखो गिफ्ट भी लेके आए हैं, नीचे गिफ्ट भी ऐसे हमने डाल दिए। ये वाला बॉल इस साइड करो क्योंकि इधर साइड दिख रहे हैं चार यार, बॉल बॉल इतने ले आए ना तुम। ये देखो ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये वापस भी तो हो जाएंगे तुम, बहुत सारे ले आए लोग। फिर ये पेड़ नहीं दिखेगा भाई, ये आइटम ही आइटम दिखेंगे। ये देखो वाइट लड्डू भी हम लोग लेके आए हैं, स्नो के लड्डू, स्नो के लड्डू। हाँ गिफ्ट ही गिफ्ट से भर गया है, ये छोटे छोटे डमरू हैं, सेंटा क्लॉज डमरू हो जाएगा, सेंटा दो सेंटा डमरू लो तुम्हारा एक छोटा। गाइस हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ लगा इतनी सारी चीजें। देखो इतना सारा सामान ना हमारा एक्स्ट्रा ले गया। और ये पुंगी है, ये सेंटा पुंगी बजाएगा ऐसे करो, ले सेंटा बजा गिफ्ट कर देंगे, कमेंट कर देना। यो तो बहुत बढ़िया कर रखे हो, अच्छा लगे देख, बर्फ भी लाल पीला लाइट देखी थी ना भाई, मैं तो को देखी ना पहली बार, और लगा देख वो सुथरा लग गए तो पहली बार ही देखा, पहली बार ही देखे तो पहला नहीं देखा था ना, पहली कौन देखे तो वो नहीं सुथरा लग रहे थे। एमी का थोड़ा वो हो जाएगा और फिर उसने भी थोड़ा दिखा देंगे, एमी तो देखता है खुश हो जाए उठा ये लाइट को सोकिन सही हो लाइट का मेरे के लिए कि उसका अलग से ही ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से लड्डू सा मैं तो सोची भी ना कि ऐसे यही खतर लिया था कि मिस्टर बीन में देखो को लगियो, मिस्टर बीन के अलावा और किधर देखो ही ना है? मिस्टर बीन आया करता ना। हाँ। मिस्टर बीन के अंदर ही देखो क्रिसमस वगैरह,
सायापन तो ऑफिस में देखा था, बाकी नॉर्मल क्योंकि ना जो ज्यादा जो चिल्ड्रन होते बच्चे बंदे हैं ऑफिस वाले बंदों को छोड़ के जैसे ये बच्चे होते हैं ना वो ज्यादातर मिस्टर बीन में ही देखा करता, मिस्टर बीन में ही क्रिसमस वगैरह। एमी के रिएक्शन लेंगे हम बाद में, वो शो अभी शो ने लग रहा है। और सरप्राइज वाली बात यो है कि सांता क्लॉज पापा बनेंगे। अच्छा, और भाई मतलब सांता क्लॉज बनने का ये है अब की बार ना, हम थोड़ा सा मनाना चाह रहे थे, जैसे आपने देखा होगा लास्ट एक दो महीने से हम करते हैं, पहले जैसे समोसे बांटे थे, फिर और कुछ ड्रेस वगैरह दे के आए थे, तो इस तरीके से ना मतलब एक बहाने से ही हो जाता है यार, किसी की हेल्प हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे अब की बार क्रिसमस तक कुछ ना कुछ जैसे एक दो दिन में कुछ ना कुछ जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ करें। मम्मी नाज बच्चू नीता वो वापिस रख दिया आपकी बेड में, अगली साल गर्मी अब निकालेगी, अब निकाल दिया साल, तो ये पूरी सर्दियां साल लगा साल, तो देखने वाले भाई कॉम्प्रोमाइज कर लियो, देख ऐसी बात नहीं ना भाई, गणाई साल से मेरे बंदे तो बात बात कर रहे हैं। और इधर मन सर्दी को लाके तो पता करो के ट्री रेडी है। हां कंबल काल निकाली, कंबल में भी कमन गर्मी लग रही है, पता नहीं पता ही के कराई है ये करा जा। और किस किस ने भाई क्रिसमस अपना ट्री घर में रेडी कर लिया या ऑफिस में किसके लग चुका, वो सारी चीजें ना अपने कमेंट करके जरूर बताइए। जो और कुछ होता है ना तुलसी पूजा होती, कुछ होता है ना इस दिन में, फिर कमेंट आएंगे कि तुम ये मना रहे हो बाहर के मना रहे हो तुलसी पूजा नहीं करते, तो भाई हमने तुलसी भी लगा रखी है बाहर। और कुछ होता बता देना, उससे पहले ही लगा लेंगे हम, ताकि तुम्हारे कम वो आए उससे पहले ही। तुलसी पूजा कर रहे सुबह रोज वो होते है ना भाई, अच्छा क्रिसमस मना लिया तुलसी की पूजा करी नहीं, यो करी नहीं। और मैंने यू है कि बदलते जमाने में ना सारी चीज फॉलो करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पुरानी चीजों ने छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं पुरानी चीजों के साथ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना ये चीजें ज्यादा होने वाली है। तो और बच्चे को भी भैया हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अब से उसको थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाएंगे तो उसको भी आगे चीजों की नॉलेज होगी कि हाँ ये चीज क्या। जैसे मैं अपनी बताऊं भाई, हमने बेराई ना थी क्रिसमस के हुआ चलती थी, ये इतने टाइम तो आ रही है ना, पर कदे ना माँ बाप ने बताई ना कुछ बताया कि तो कॉलेज कॉलेज में जा लिए स्कूल में जब नू बेरा पटाया करती, हाँ भाई स्कूल ना भी इतना कोई खास को नहीं मनाया करती क्रिसमस वगैरह, कॉलेज में फिर जाकर पटाया क्रिसमस नाम ही सुनियो से बाकी देखे तो रही से। और उसके बाद फिर अब एमी ने जिस तरह स्टार्टिंग से बताऊंगी वीडियो से, जिस तरह कल कितना अच्छा लगा मैं मार्केट में सेंटा बन गई, तो छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे देख के बट आप लोगों ने ना यार सेंटा मम्मा सेंटा, तो इतना अच्छा लग रहा है कि यार छोटे छोटे बच्चों को भी नॉलेज है। आप लोगों ने ना वो वाला व्लॉग यार शेयर नहीं किया, जितनी मेहनत करी थी ना उस व्लॉग के ऊपर शेयर नहीं किया आप लोगों ने, कमेंट जो पैर गई ना कमेंट तो मोटा होनी बार मेरा जुकाम हो गया बुखार हो गया। कमेंट तो बहुत अच्छे अच्छे किया आपने बट व्लॉग को शेयर नहीं किया, तो एक बार दोबारा से शेयर करना उस व्लॉग को सारे, ताकि फिर वो चीज हम रेगुलर करें, मतलब कल परसों में दोबारा से एक बार करें नए तरीके से, नई चीज करेंगे अब की बार फिर। ठीक है अभी थोड़ी देर में जाएंगे जिम में, फिर उसके बाद में एमी उठ जाएगा तो एमी की रिएक्शन दिखाएंगे आप लोगों को। अरे कहाँ रही है संता आया घर पे, अरे देखो देखो ये संता आया आपके लिए, आपके लिए देखो गिफ्ट क्या है, कैमरा दिखाई दे दिया इसको, इसको ट्री के बजाय इसको कैमरा चाहिए, आपको गिफ्ट लेके आया संता आपके लिए, छोटे 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 से गिफ्ट लेके आया मेरी बेटी के लिए। अरे आज तो ग्लव्स पहन के आया, आप सर्दी होगी क्या और क्या है, बताओ कौन सा गिफ्ट चाहिए आपको। इब्दान इब्दी इब गए दान पर। हाँ ये अच्छा ये है मेरी बेटी का, ये देखो छोटा सा संता भी है, ये देखो ये रहा ये रहा, एक तो ट्री दिखाई दे से ये समझू है ये।